नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रमुख फिल्में एवं उनके निर्देशक के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, अभी जो कि रिसेंटली जो भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें फिल्म के निर्देशक काफ़ी पूछे जा रहे हैं, जो कि प्रमुख फिल्म रहती है उनके निर्देशकों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रमुख फिल्में एवं उनके निर्देशक। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, इस एक साइड फिल्म रहेंगी और दूसरी साइड रहेंगे उनके निर्देशक। सबसे पहली फिल्म है ब्लेज रॉक स्टार। दोस्तों, ब्लेज रॉक स्टार के निर्देशक हैं रीमा दास जी। कौन? रीमा दास जी हैं ब्लेज रॉक स्टार के निर्देशक। इसके बाद दोस्तों, दंगल। दंगल मूवी तो आप सभी लोगों ने देखी होगी। यह अभिनेता यहाँ आमिर खान ने इसमें काम किया है और इसके निर्देशक हैं नीतीश तिवारी जी। कौन? नीतीश तिवारी जी, दंगल फिल्म के निर्माता नीतीश तिवारी। इसके बाद अगली फिल्म है लगान। दोस्तों, ये लगान फिल्म के अभिनेता भी आमिर खान ही थे और इसके निर्देशक थे आशुतोष गोवारिकर। आशुतोष गोवारिकर। इसके बाद अगली फिल्म है इंग्लिश विंग्लिश। दोस्तों, इंग्लिश विंग्लिश काफ़ी इंपॉर्टेंट फिल्म है क्योंकि इसमें श्रीदेवी ने अभिनय किया था और उनकी अभी हाल ही में वो काफ़ी चर्चित में थी। तो चलिए दोस्तों, इनके देखते हैं, निर्देशक हैं गौरी शिंदे। निर्देशक कौन है? यह गौरी शिंदे हैं इंग्लिश विंग्लिश की निर्देशक। इसके बाद चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगली फिल्म है संजू। दोस्तों, संजू फिल्म आप देखी होगी, संजय दत्त की पूरी कहानी पे फिल्माई गई फिल्म है। यह फिल्म के निर्देशक हैं राजकुमार हीरानी। कौन? राजकुमार हीरानी है संजू फिल्म के निर्देशक। इसके बाद अगली फिल्म कौन सी? परमाणु। दोस्तों, परमाणु फिल्म के निर्देशक हैं अभिषेक शर्मा। कौन? अभिषेक शर्मा जी। इसके बाद नेक्स्ट है रोबोट टू। दोस्तों, रोबोट टू 2000 की सबसे हाईएस्ट या सबसे बड़ी फिल्म है और सबसे ज़्यादा इसमें बजट लगा है, यानी सबसे महंगी फिल्म रोबोट टू 2018 की है और है इसके निर्देशक हैं एम शंकराचार्य। कौन? एम शंकर। एम शंकर रोबोट टू के निर्देशक एम शंकर हैं। इसके बाद अगली फिल्म है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते के निर्देशक हैं मिलाप जवेरी। कौन? मिलाप जवेरी हैं। मिलाप जवेरी सत्यमेव जयते के निर्देशक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगली फिल्म है दोस्तों रेस थ्री। दोस्तों, रेस थ्री को जैसे सभी ने देखा हो, इसमें सलमान खान ने काम किया है और इसके निर्देशक हैं रेमो डिसूजा। कौन? रेमो डिसूजा हैं रेस थ्री के निर्देशक। इसके बाद नेक्स्ट फिल्म है पैडमैन। दोस्तों, पैडमैन में यह मुख्य किरदार निभाया था अक्षय कुमार ने। दोस्तों, यह काफ़ी पॉपुलर फिल्म रही थी और इसके निर्देशक हैं आर बल्ली। कौन? आर बल्ली है। पैडमैन के निर्देशक हैं आर बल्ली। इसके बाद नेक्स्ट फिल्म है गोल्ड। दोस्तों, गोल्ड मूवी भी अक्षय कुमार ने ही इसमें अभिनय किया था। उनके निर्देशक हैं रीमा कांगती। कौन? रीमा कांगती हैं गोल्ड फिल्म के अभिनेता। ए सॉरी, अभिनेता तो अक्षय कुमार हैं गोल्ड मूवी के और निर्देशक हैं रीमा कांगती। इसके बाद नेक्स्ट है मूवी है ठग ऑफ हिंदुस्तान। ठग ऑफ हिंदुस्तान के दोस्तों अभिनेता है अमिताभ बच्चन की मूवी है। कौन? अमिताभ बच्चन ने इसमें अभिनय किया है और इसके निर्देशक हैं विनय कृष्णा। कौन? विनय कृष्णा है इसके निर्देशक। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों न्यूटन की। न्यूटन, दोस्तों न्यूटन मूवी के निर्देशक हैं अमित मासुरकर। कौन? अमित मासुरकर है न्यूटन के निर्देशक, अमित मासुरकर। इसके बाद नेक्स्ट फिल्म है पद्मावत। दोस्तों, पद्मावत काफी विवादों से घिरी भाई मूवी है, ज्यादा पॉपुलर और चर्चित थी। सबसे ज्यादा इससे अधिक पूछे जाने की संभावना। दोस्तों, एक न्यूटन, पद्मावत और मैंने आगे बताई थी जो परमाणु है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूवी। आप इनके निर्देशक जरूर याद करेगा, न्यूटन के अमित मासुरकर और पद्मावत के संजय लीला भंसारी। संजय लीला भंसारी हैं पद्मावत के निर्देशक। इसके बाद अगली फिल्म है बाहुबली। दोस्तों, बाहुबली के निर्देशक हैं एस एस राजा मौली। दोस्तों, बाहुबली और बाहुबली टू दोनों के निर्देशक हैं एस एस राजा मौली। इसके बाद अगली फिल्म है तुम्हारी सुलू।
सुलू, तुम्हारी सुलू के निर्देशक हैं सुरेश त्रिवेणी। कौन? सुरेश त्रिवेणी है तुम्हारी सुलू के निर्देशक, सुरेश त्रिवेणी। तो दोस्तों यही रही प्रमुख फिल्में जो कि परीक्षा में, परीक्षा के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यदि आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप इनको ज़रूर रिवाइज कर और याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।